नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती व्यवस्था को लेकर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भोजपुर स्थित आरा पहुंचते हैं और कई दिशा निर्देश और टास्क देते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कई ऐसी बातें कही गई है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को अब चुस्ती फुर्ती दिखानी होगी। तो वहीं डीजीपी आरएस भट्टी एकाएक पहुंच जाते हैं आरा और पुलिस महकमे में हरकंप मच जाती है। उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिया कि अपराधियों को भगाने का सिलसिला जारी रखिए, अगर आप बैठ जाइएगा तो अपराधी क्राइम करते हुए नहीं मानेंगे, अपराधी अपना काम करते रहेंगे, इसलिए अपराधियों को भगाना शुरू कर दीजिए। पुलिस का खौफ अपराधियों में रहेगा तो अपराधी खुद ब खुद फरार हो जाएंगे या तो घटना को अंजाम देने से पहले हजार बार सोचेंगे। इस बैठक में कई पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी सहित कई अनुमंडल अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने कई तरह के टास्क दिए। एफआईआर जो होती है, संदिग्धों की लिस्ट में जो नाम होती है, उस नाम से लेकर तमाम बिंदुओं पर डीजीपी ने तलब किया है और पहुंचने के साथ साथ डीजीपी ने टास्क देते हुए कहा कि लगातार बैठना नहीं है, अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। कई मामलों में छापेमारी कर लंबित मामला अगर है तो उसे जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, और ताकि क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हर जिले से खबरें आती है, लूट, हत्या, डकैती जैसे मामले, अब डीजीपी को बर्दाश्त नहीं होगा। डीजीपी ने साफ रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि अपराधी को भगाने का सिलसिला जारी रखिए, तभी अपराधियों में खौफ उत्पन्न होगा। देखिए इस खबर में।